हेलो एवरीवन, आज हम बताने जा रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं फाइन एग्रीगेट की। बेसिकली हम आज आपको एक शॉर्टकट बताने वाले हैं कि आप बिल्कुल कम टाइम में अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल के देनी है क्लाइंट को या कैसे भी अपनी रिपोर्ट में करनी है तो आप कम टाइम में बहुत क्विक स्टेप हैं उसके जरिए आप स्पेसिफिक ग्रेविटी कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या करना है, आपको ट्रे लेनी है, इसका वेट मैंने टेल कर दिया। अब इसमें मैंने फाइन एग्रीगेट ले लिया है ये, अब 500 ग्राम फाइन एग्रीगेट लूंगा। सैंपल ले लिए, इसको अलग कर देंगे। अब क्या करना है, आपको एक अलग ट्रे लेनी है। अब उसमें इस बीकर का पूरे टॉप तक पानी भर देना है, जैसे कि ये बस टॉप इतना पानी भरना है जिससे कि ये बाहर ना निकले। बेसिकली हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा आपने, उसके अकॉर्डिंग हम इसको स्पेसिफिकली निकाल रहे हैं। तो ये मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ। अब इसके वेट को क्या कर देंगे, टेल कर देंगे, जीरो कर देंगे। अब इसमें क्या मेन आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपका फॉलो होगा। अब इसमें जो हमने 500 ग्राम सैंपल लिया था, अब इसमें इसको डालेंगे तो क्या करेंगे, ये अपने वेट का पानी डिस्प्लेस करेगा, ट्रे में आएगा। तो वही बस हमें जो पानी डिस्प्लेस करेगा उसका वेट लेंगे और प्लस जो हमारा सैंपल का वेट था वेट, तो सैंपल का वेट और प्लस जो पानी डिस्प्लेसमेंट होगा उसका वेट डिवाइड कर देंगे तो स्पेसिफिकिटी आ जाएगी। तो जैसे कि हम ये कर रहे हैं, जैसे हमने ओवन ड्राई सैंपल लिया है, बहुत धीरे धीरे डालेंगे। अब इसमें हमने जो 500 ग्राम का देख रहे हैं, हमें आप सैंपल जा चुका है, अब पानी क्या फ्लोट किया है बाहर जो निकला है, अब सिर्फ हमें जो पानी बाहर फ्लोट हुआ है उसका वेट लेना है। तो आप बहुत सावधानी से इसको उठाएंगे। या तो इसके लिए आपको पहले से ही पता चल जाएगा आपके ट्रे का वेट कितना था, वो माइनस कर लें, या आप क्या कर सकते हैं अदर ट्रे में भी इस वेट पानी के वेट को बेइंग कर सकते हैं। अब इसको मैंने जीरो कर लिया, अब इसमें वेट का ट्रे का वेट बिल्कुल जीरो है, बस पानी का बेंग लेंगे। जो कि आ रहा है 172 ग्राम। अब हमारा 172 ग्राम आफ्टर डिस्प्लेसमेंट वाटर का वेट आ गया एंड 500 ग्राम हमने जो वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट लिया था वह, और फिर इसको सॉल्व कर देंगे 500/172 ग्राम, तो हमारा क्या हो गया 2.90। तो मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी 2.90 हो गई फाइन एग्रीगेट के लिए। ठीक है, अब नोट, स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, आपके लिए बता रहे हैं नॉलेज के लिए, और बस यही रिजल्ट है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा होगा बहुत इजी तरीके से हमने इस टेस्ट को कर लिया परफॉर्म। तो बस यही, आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली ये टेस्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल को फॉलो करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।